नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Oppo F25 Pro 5G versus Infinix Note 40 Pro 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो F25 Pro 5G में 6.36 इंच जबकि 40 Pro 5G में 6.47 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो F25 Pro 5G में 2.94 इंच जबकि 40 Pro 5G में 2.93 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। बात करें थिकनेस की तो F25 Pro 5G में 0.3 इंच जबकि 40 Pro 5G में 0.32 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि F25 Pro 5G से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो F25 Pro 5G में 177 ग्राम जबकि 40 Pro 5G में 190 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि F25 Pro 5G से ज्यादा है। चलिए अब हम डिस्प्ले की तुलना करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो F25 Pro 5G में AMOLED जबकि 40 Pro 5G में फ्लेक्सिबल AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो F25 Pro 5G में 6.7 इंचेस जबकि 40 Pro 5G में 6.78 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन F25 Pro 5G में 1080x2412px FHD+ और 40 Pro 5G में 1080x2436px FHD+ मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो F25 Pro 5G में 89.78% जबकि 40 Pro 5G में 89.33% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो F25 Pro 5G में 394 पिक्सेल प्रति इंच जबकि 40 Pro 5G में 393 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो F25 Pro 5G में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। और 40 Pro 5G की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो F25 Pro 5G में 12 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और 40 Pro 5G की बात करें तो उसमें 13 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो F25 Pro 5G में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और 40 Pro 5G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 6 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो F25 Pro 5G में Mali-G68MC4 जबकि 40 Pro 5G में IMGBX-M8-256 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो F25 Pro 5G में MediaTek Dimensity 7050 और 40 Pro 5G में MediaTek Dimensity 7020 मिलता है। बात करें RAM की तो दोनों फोन में सेम ही 8GB RAM मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो F25 Pro 5G में 2 विकल्प देखने को मिलता है, जिसमें 128GB 256GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि 40 Pro 5G में एक ही विकल्प देखने को मिलता है, जिसमें 256GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो F25 Pro 5G में अप टू 2TB जबकि 40 Pro 5G में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V14 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं।
कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही दो कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो F25 Pro 5G में दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जिसमें कि 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 23,999 रुपीस, 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 25,999 रुपीस में मिलता है। और बात करें 40 Pro 5G की तो उसमें एक ही वेरिएंट मिलता है जो कि 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 23,990 रुपीस में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो ओप्पो F25 Pro 5G में 8 फायदे और 4 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें इन्फिनिक्स नोट 40 Pro 5G की तो उसमें 8 फायदे और 7 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, मेन कैमरा में 40 Pro 5G आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में 40 Pro 5G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें टेक्नो कैमन 35G है, दूसरा रियलमी 12 प्लस 5G है, तीसरा वीवो V35G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें वीवो V30 Pro 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रिय दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।